ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੈਣ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਕਰਨੈਣ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੈਸੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕੈਸੇ ਰਿਹਾ ਲਦਾਖ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ? ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਥਾ ਉਸਮੇਂ ਵੀ ਹਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੋ ਕੈਸੇ ਲਗਾ ਪੰਜਾਬ ਆਕਰ ਪੰਜਾਬੀਓਂ ਕੋ ਮਿਲਕਰ? ਪੰਜਾਬੀਓਂ ਕੋ ਮਿਲਕਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਕਭੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਆਤੇ ਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ, ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਹਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਏ ਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੋ ਹਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹੀ ਸੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਆਏ ਤੋ ਇਧਰ ਖੇਤ ਬੇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੰਤ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸਕਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਯਹਾਂ। वही है जैसे आपके आपके एरिया में तो जो जिधर नजर मारो पहाड़ी देखेंगे, पहाड़ी है सर, वहाँ पर जो है इस टाइम हरियाली का नाम ही निशान नहीं। जब यहाँ खेतों में हरियाली दिख रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। ठीक है, अच्छा तो ये बताएं कि आपका जो घर है वो कहाँ पे है लद्दाख में? सर, लद्दाख में हमारा नुब्रा वैली बोल के एक इलाका आता है, नुब्रा वैली से तुरतुक के लिए एक रास्ता जाता है। तो तुरतुक जो है 1971 में आज़ाद हुआ था, जैसे आप लोग 47 में आज़ाद हुए, इसी तरह ही तुरतुक का एरिया जो है पहले पाकिस्तान के एरिया में था, 47 से पहले, सॉरी 71 से पहले। जब 71 वाला इंडिया पाक वार हुआ उसमें इंडिया ने वो विलेज चारों कैप्चर कर लिए, जिसमें चुलुंग का एक है, दूसरा तुरतुक है, तीसरा त्याक्षी है, लास्ट मेरा गाँव है थांग बोल के। तो मैं थांग गाँव में रहता हूँ सर। ठीक है, तो आपका जो गांव है वो 1971 में हुआ, आज़ाद हुआ जी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे हम लोग घूमने जाते हैं जी, हमको तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम वहाँ पे जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं, दो दिन के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन कभी कभी जो हम जो फील भी करते हैं कि वहाँ की जो लाइफ है जी वो काफ़ी टफ है जी, जी। तो वहाँ की लाइफ के बारे में बताएं कि कैसी लाइफ है वहाँ की? वहाँ की लाइफ ऐसी है सर, गर्मियों में तो वहाँ काफ़ी अच्छा लगता है, गर्मी कम होती है, इतनी गर्मी होती नहीं जैसे आपके यहाँ होती है। तो सर्दियों में 3-4 महीने बड़ी दिक्कत है वहाँ पर, करीब 4-5 महीने आपका नवंबर से लेके मार्च तक वहाँ पर जो है ठंड रहती है काफ़ी। तो उस ठंड में जो है हमारे को टेम्परेचर भी माइनस में जाता है, तो हम घरों में बुखारी जलाते हैं और जी लकड़ी लुकड़ी का प्रबंध करके वहाँ पर गर्म करके कमरों को रखते हैं। बाहर जो है हम कपड़े जो है माइनस टेम्परेचर वाले पहन के घूमते हैं। बर्फ़ तो वहाँ लद्दाख में कम गिरती है पर ठंडा ज़्यादा रहता है, -15-20 तक टेम्परेचर जाता है लद्दाख में। अच्छा जी, तो खाने पीने की चीज़ें भी हमारे को जो है सब्जी वगैरह फल फ्रूट भी इतने मिल नहीं पाते हैं, तो हम नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं और जी दाल रोटी चावल और जी अपना जो ट्रेडिशनल। अच्छा, पहले अब हम उसकी बात करें मौसम की, गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है आपके वहाँ? गर्मियों में सर, गर्मियों में टेम्परेचर सर जून जुलाई में जो है, जुलाई और अगस्त में उस टाइम पर वहाँ पर खुनबानी भी पकती है, तो किस्म किस्म के वहाँ फ्रूट भी आते हैं गर्मियों के मौसम में। तो वहाँ पर टेम्परेचर 30-35 जाता है, गर्मियों में काफ़ी गर्मी भी होती है, सूखी गर्मी होती है पर जी। ठीक है, और सर्दियों में कितना डाउन चला जाता है? सर्दियों में सर टेम्परेचर चल जाता है -15-20 के बीच में जाता है, 20 तक चल जाता है। ठीक है, तो गर्मियों में तो जैसे आपके वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं जी, तो आपका आप लोगों का वहाँ पे काम वगैरह चलता है जी, जी। तो आपकी जो वैसे भी बात करें इकोनॉमी की, तो वो टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है या और भी है? टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है सर ज़्यादातर, बाकी दूसरा हम जो आर्मी पोस्ट पे बैठी हुई है, फौज बैठी हुई है वहाँ पर, जो उनका जो सामान ऊपर कैरी होता है तो सीज़न पर वो हम ही लोग ही कैरी करते हैं, पर जो विंटर का सीज़न रहता है उसमें जो कोई भी काम नहीं होता है। अच्छा। तो जो गवर्नमेंट जॉब वॉब करते हैं उनकी तो सैलरी मिलती है, पर हमारा कुछ और काम नहीं हो पाता है कुछ भी। अच्छा। ना कंस्ट्रक्शन का, ना कुछ हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, ना टूरिज़्म आता है, ना टूरिस्ट आता है कोई, तो उनसे हम बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। ठीक है, आपने बात टूरिज्म की है, तो हमें ये बताएं कि आपके पास, क्योंकि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर बैठे हैं आप, तो कहाँ के जो ट्रैवलर हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे आते हैं? वहाँ पर ज़्यादातर लोग जी सर ये आपका महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के लोग बहुत आते हैं, खुसूसन मुंबई के लोग, फिर उसके बाद गुजराती आते हैं, फिर आपका कोलकाता वाले वेस्ट बंगाल वाले आते हैं, उसके बाद अपने ये पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली वाले आते हैं जी।
और बाकी स्टेटों से बहुत कम आते हैं। बाकी स्टेट आपका कर्नाटक से भी काफ़ी लोग आते हैं, बेंगलोर से और जी केरला से, तो बाकी स्टेटों के कम लोग आते हैं। अच्छा जैसे तो चलो आपको तो सभी लोगों के साथ वास्ता पड़ता है जी, तो आपके आपको सबसे अच्छे मतलब जो हैं वो कौन से लोग लगे व्यवहार में? अच्छे लोग व्यवहार में देखो जी, एक तो हमारे पंजाब के लोग हैं, अच्छे हैं काफ़ी अच्छे, वो लोग भी बहुत दिल खुश हमारे से जब बातें करते हैं आते हैं तो हमारे को काफ़ी वो लोग दिलासा देते हैं, अच्छे लोग लगे। और दूसरे मेरे को जो मुंबई वाले लोग हैं, महाराष्ट्र वाले, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं जी, वो लोग भी काफ़ी दिलदार होते हैं, दिल खोल के खर्चा करते हैं वो लोग आगे जी। ठीक है ठीक है। तो वहाँ के जो शादी वगैरह की बात है, तो क्योंकि वहाँ पे कमाई आपकी जैसे बताया भी बड़ी कम है जी, जी। तो साधन सीमित हैं जी। तो जैसे हमारे पंजाब में तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं शादी जी, पर जी, जी। तो आपके वहाँ पे शादी पर कितना रुपया खर्च आता है? शादी में हमारे उधर ज्यादा खर्च नहीं आता है सर, खुसूसन हमारे इलाकों में। वैसे जो सिटी में है वो लोग तो काफी खर्च करते हैं सिटी वाले, फिर जो अपनी बजट के हिसाब से ही खर्चा करते हैं सर, जो लो फैमिली रहते हैं वो लोग 6-7 लाख रुपये खर्चा आ जाता है उनका शादियों में। बाकी जो हाई फाई ज़्यादा ही टॉप क्लास हैं, फर्स्ट क्लास है, उनका तो काफ़ी खर्चा करते हैं वो लोग शादियों में। जो लो क्लास है उस बेचारे का तो कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल ही रहते हैं वो बस। अच्छा तो बारात वगैरह में कितने लोग आते हैं आपके वहाँ पे? बारात में तो सर 25-30 लोग ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। ओके जी, 25-30 जी जी। ठीक है। अच्छा जैसे आप बॉर्डर पर बैठे हो जी सर, तो बॉर्डर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी कोई पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है जी सर, आपका रेस्टोरेंट है ना बॉर्डर जी, पे जी, जी। क्या नाम, क्या रेस्टोरेंट का? रेस्टोरेंट का नाम है सर इंडो पाक बॉर्डर रेस्टोरेंट, लास्ट रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है जी, जी। तो वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर लिखा है शायद आप यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। हाँ, यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन जी जी। तो वो टूरिस्ट तो जब चलो जाते हैं वो तो 15-20 मिनट के लिए, घंटे के लिए एनिमी की ऑब्जर्वेशन में रहते हैं जी, जी, जी। लेकिन आप तो 24 घंटे उनके ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। तो हमारे को देखो जी डर तो रहता है, अगर जो जंग के हालात होते हैं दोनों कंट्री की तरफ से, लड़ाई होती है तो उसमें हमारे को डर काफी रहता है, पर अभी दोनों देश जो है अमन के साथ हैं, बिल्कुल सुख शांति से हैं, तो हमें कोई डर नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है हमारे को अपने देश के साथ रहने के लिए। और जैसे आप आपके बुजुर्ग जो हैं वो तो पहले पाकिस्तान में जन्म जी, हमारे दादा लोग पाकिस्तान में जन्म, आपके फादर भी जो, हाँ, 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 जी जी, जब वो 1971 में वो इधर आ गए जी जी जी, इंडिया में आए नहीं पर इंडिया ने कैप्चर कर लिया, फिर तो वहीं पर ही वो इंडिया में रह गए ना जी जी जी। हाँ, तो वो इंडिया में रह गए जी जी, तो वो पाकिस्तान दूसरी तरफ चला जी गया जी, तो उन्होंने क्या बताया कि मतलब पाकिस्तान में जे जो आपका एरिया पाकिस्तान के अंडर रहता तो ठीक था, जब इंडिया के अंडर तो ठीक है? नहीं, पहले जब शुरू में जंग नई जंग हुई फ्रेंच, तो उसके टाइम पे तो उनको डर रहा थोड़ा कि इंडिया वाले क्या बिहेव करेंगे उनके साथ, पर उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगा इंडिया वालों के साथ, अभी हम इंडिया के साथ ही खुश हैं बोल के, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया में रोज़गार भी काफ़ी अच्छा है, उस साइड रोज़गार के भी इतने वो नहीं है, लोग जो है बाहर विदेशों में जाते हैं अपने देश को छोड़ के, हम अपने देश में ही रोज़गार अपने घर के पास ही मिला हुआ है हमारे को जी। ठीक है, हम अपने देश में ही खुश हैं सर। अच्छा जी, ठीक है। तो जैसे आपके फादर साहब ने हमें वहाँ पे बताया था जी, भी थोड़ा भी उनकी जो मिसेज थी वो वहाँ उधर रह गए जी, वो जी, उसके थोड़ा किस्सा बताना वो क्या था जी? वो मिसेज ऐसा हुआ सर, वो हमारे जो फादर साहब थे वो 16-17 साल की उम्र के थे, 17-18 साल के, तो उस टाइम पर उनकी शादी हो रखी थी, वहीं पर एक शादी कर रखी थी गाँव में ही, तो वो इधर इंडिया में भी इस साइड थांग में भी जो है उनकी खेती बाड़ी थी, और उधर सामने वाला जो विलेज है पाकिस्तान का फरनू बोलते हैं उसको, उधर भी खेती बाड़ी थी, तो वो पानी पुनी लगाने इधर आ रखे थे, फिर अचानक से जब जंग हुई, जंग का जैसी अमन हुआ जंग रुकी गई, तो इधर इंडिया की फौज आ गई थांग में, थांग तक, और जो उधर पाकिस्तान वाली फौज जो है पीछे हट गई, फरनू चली गई, तो उन्होंने बोला मैं थांग में ही रहूँगा, फिर उनकी जो शादी हो रखी थी उन्होंने यहीं से ही अपना पैगाम दिया कि मैं उस बीवी को अब तलाक देता हूँ, मैं यहीं पर ही रहूँगा, और यहीं से ही फिर दूसरी शादी कर ली उन्होंने कुछ सालों बाद। ओके ओके जी। तो अभी 6 लड़के हैं, 1 लड़की है उनको। अच्छा, अब 6 लड़के? 1 लड़की है। ठीक है जी, पहले वाली घरवाली से कोई बच्चा बुच्चा नहीं था। ठीक है, तो आपका वहाँ पे खेत वगैरह भी होता होगा उधर जी, खेती है? हाँ, तो वो फिर कौन देखता है उसे? वहाँ पर फिर हमारे जो पापा के भाई लोग हैं, चाचा ताऊ के बच्चे हैं, वो लोग देखते हैं, वो रहते हैं। जी जी। तो आप उनसे मिलना होता है कभी कि नहीं? नहीं, 52 ईयर हो गए सर, कोई आना जाना नहीं, कोई मिलना नहीं, बाकी फोन पर या व्हाट्सएप पर बात होती है। अच्छा। वो भी अभी कुछ सालों से जब से हमारे को उधर नेटवर्क मिला है। हुँ.
थांग में नेटवर्क मिला है तब से, नहीं तो उससे पहले वो भी बात बूत नहीं हो पाती थी कुछ। अच्छा, तो आपके जैसे फादर का बर्थ उधर हुआ जी, तो उनके पास नागरिकता भी वहीं की होगी, आपके सर्टिफिकेट वगैरह होंगे वहाँ के नागरिकता वगैरह? नागरिकता इतना तो वो नहीं था सर डॉक्यूमेंट, क्योंकि इलाका रिमोट था बहुत, इतने आई कार्ड भी इतना पता नहीं था, 52 साल हो गए करीब करीब, तो उनपे कोई ऐसा कागज कुगज तो नहीं थे। बाकी हाँ जमीन के पेपर वो उसी साइड ही रहते हैं, क्योंकि इधर थांग की भी जमीन के पेपर तहसील जो है उधर खपुलू में पड़ता था, वहाँ थे। तो जब इंडियन इसे कैप्चर किया तो यहाँ पर दोबारा इंडियन गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दोबारा से रिव्यू रिकॉर्ड बनाए हमारे गाँव के, तो अभी हमारे को यहाँ की नागरिकता मिली हुई है, पूरे जमीन के कागज भी पेपर भी हमारे कम्प्लीट बने हुए हैं। अच्छा, तो आप मतलब अब आप इंडिया के एरिया में रहकर खुश हैं? खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं, हमें गर्व है अपने इंडिया में, भारत में रहने का। चलो जी ठीक है भाई, एक बार फिर आपका पंजाब में आने पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू।